बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज की हमारी रेसिपी है पीटा ब्रेड या शवरमा ब्रेड कह लें। तो सबसे पहले जो चीज़ें मुझे चाहिए पीटा ब्रेड या शवरमा ब्रेड बनाने के लिए, 2 कप मैदा लिया है मैंने, और यहाँ पे 1 चम्मच या हसबे जायका नमक लिया है, और 1 चम्मच मैंने ईस्ट का लिया है, और 1 चम्मच मैंने चीनी ली है, और यहाँ पे 1 कप मग में मैंने पानी लिया है, नीम गर्म पानी लेना है, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे तेल का लिया है 2 चम्मच। तो पानी जितना भी मतलब गूंदने के लिए चाहिए होगा, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और डो को बनाएंगे, परफेक्ट डो बनाएंगे पीटा ब्रेड के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने ऐड कर ली हैं, नमक और ईस्ट और चीनी, और अब ये 2 चम्मच जो ऑयल के लिए हैं वो भी ऐड कर रही हूँ। इसे नीम गर्म पानी के साथ गूंदेंगे इस आटे को, इस डो को। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस डो को गूंदेंगे हाथ से। तो डो को अच्छे से गूंदना है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से इसको गूंद लिया है मैंने, और अच्छे से इसका डो बनाया है, और इसके ऊपर इसको ढक देंगे, या किसी प्लास्टिक रैप से ढक दें, या फिर कोई सा भी बर्तन इसके ऊपर रख दें। तो 1 घंटे के बाद तकरीबन, या जब तक ये राइस हो जाए तब आपसे मिलती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, डो बिल्कुल राइस हो चुका है। अभी इसे दोबारा पंच करेंगे। डो के मैंने 4 हिस्से कर लिए हैं, और 4 पेड़े बना के अभी इसे रखूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा सा राइस हो जाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये तकरीबन राइस हो चुके हैं। अब इसकी पीटा ब्रेड्स बनाते हैं। तो ये देखिए, पेड़ा ले लिया है मैंने, इसको अभी गोल करना है पीटा ब्रेड बनाने के लिए। जैसे छोटी सी रोटी बनाते हैं ऐसे ही बनाना है। तो ये देखिए, इतनी छोटी सी रोटियाँ बनानी है, और ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो, सारी इस तरह से बना लेंगे। अच्छा, तो सारी ऐसे बना के, पीटा ब्रेड्स बना के उसको थोड़ी देर के लिए और रखेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि थोड़ा सा और राइस हो जाए। उसके बाद इसको तवे पे सेकेंगे। तो अभी इसको तवे पे के ऊपर सेकेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखें, फूल रहा है बहुत ज़बरदस्त से, ज़बरदस्त डो बना है, ज़बरदस्त राइस हुआ है। ये देखें, अभी फूल रहा है। दोनों साइड से इसको पकाएंगे। ये देखें, एक साइड से बहुत ज़बरदस्त गोल्डन कलर आया है, अभी दूसरा साइड भी गोल्डन करेंगे, लाइट ऐसे ही लाइट गोल्डन कलर, लाइट ब्राउन कलर लाएंगे। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सा लाइट ब्राउन कलर आ गए हैं। अब इसे उतार देंगे, और बाकी भी इसी तरह से तवे के ऊपर सेकेंगे।
आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत मज़े के सॉफ्ट पीटा ब्रेड्स बने हैं। ये देखिए, ये देखिए बहुत सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए। ये सारे देखिए ऐसे प्यारे प्यारे आए हैं माशाल्लाह से, देखिए सब पे फूल जैसे बने हैं, देखिए सब पे डिज़ाइन बने हैं। ये देखिए बहुत सॉफ्ट और मज़े के बने हैं, ये देखिए देखिए। तो बहुत मज़े के और सॉफ्ट पीटा ब्रेड्स बने हैं, ये देखिए बहुत मज़े के बने हैं। अगर आप लोग को भी पीटा ब्रेड की ये रेसिपी, आसान सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की, आसान सी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकती हैं। और बिल्कुल ये बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया।